अस्सलाम वालेकुम भाई। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और बहुत सही होंगे। तबीयत वबीयत सबकी सेट होगी। पबजी बैन है, अल्लाह करे जल्दी से खुल जाए। उसी इंतजार में बस अब वीडियोस बनाए जा रहे हैं और कोई तो काम है नहीं, तो अल्लाह बेहतर करने वाला है। तो भाई डुओ में डुओ वर्सेस डुओ था ये, और इसमें हमको एक फ़ंड मिलेगा हमारा। उससे पहले मेरा एक भाई है, मतलब दोस्त है लेकिन भाइयों की तरह ही है। वो एथिकल हैकर है। वो कुछ चीज़ें, मतलब कुछ कोर्सेज़ हैं जो फ्री में करवा रहा है, जो कि आपको आमतौर पर नहीं मिलेंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उनका चैनल चेकआउट ज़रूर कर लेना। आप सीखेंगे हैकिंग वगैरह, वाईफाई, मतलब जो भी आप लोग चाहते हैं ना, वो हैक आराम से कर पाएंगे। तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो जाके चेक कर लेना। एक बार सब्सक्राइब कर दो उसका चैनल। और काली लिनक्स का उसका कोर्स अभी अभी शुरू हुआ, ये सबसे अच्छी बात है, कोर्स अभी शुरू हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोग चलते रहेंगे तो आप लोगों को भी सही समझ में आता रहेगा। और बाकी भाई बहुत अच्छा समझाते हैं वो, तो प्लीज़ उनको जाएँ, उस चैनल को चेकआउट करें। भाई आवाज़ आते हैं गेम की तरफ। हम जॉर्जियापुल जा रहे थे लेकिन हम मर इतनी बार चुके थे, तो हमने बोला ऐसा करते हैं स्टार्ट में थोड़ा सा सेफ खेल लेते हैं। तो हम आ गए थे सिटी, और हमारे साथ एक और बंदा आया था, मेजिस्टी हमाद। अगर भाईजान आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सर बिग शाउट आउट टू मेजिस्टी हमाद, क्योंकि इन्होंने जो किया है ना, इन्होंने दो बार हमारी जान बचाई है, वो बगैर कुछ बोले बगैर कुछ कहे। इन्होंने दो बार हमारी जान बचाई है। जैसी मैं उतरा उजी पड़ी थी, उजी उठा ली। और वो एक पैराशूट में जो बंदा दिख रहा है ना, वो मेजिस्ट्री हमाद है। वो बिल्कुल कोने में उतरा, मैंने उसको, क्योंकि अभी तो मैं नहीं जानता था, अभी तो सब उतर ही रहे थे। मैंने बोला शॉट कनेक्ट कर रहे हैं, पर गोलियाँ क्रैक ही नहीं हुई। तो बहरहाल अब आगे चलते हैं यहाँ से। हमने पूरा लूट वूट कर लिया और फिर हम आ गए थे जॉर्जो सिटी। क्रेन पे बंदे थे, शॉर्ट्स आ रहे हैं, और फिर मुझे दो बंदे भी नज़र आ गए। लेफ़्ट पीक पे हमने ट्राई किया कि इनको जरा सा नॉक करें, बहुत लो था। इसको एक और M4 की गोली लगती ना, मर जाता है अगर एक्सटेंडेड होता। इतनी देर में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है। और ये जो बंदा होता है ना, ये बहुत प्रो कैंपर होता है, और मतलब ये नज़र आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। तो बस अब उसको मैंने लो किया था, तो जाहिर बात है भाई वो अब हिल विल तो करेगा। मैं भाग गया, मैंने बोला बस तू पीछा आता रहे, मैं तेरी तरफ आ रहा हूँ। भाई वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब माई चैनल। आज का लाइक हम रखते हैं, बहुत शुक्रिया तुमने एक सब्सक्राइबर करवा दिया। और अब इस तरह कुछ अपडेट्स जो होंगे ना गेमिंग क्लास से, वो आते रहेंगे। अब बंदा सामने नेट किया, नेट से उसकी हेल्थ भी डैमेज हुई, मेरी टीममेट की और मेरी भी काफ़ी हुई। तो ये आया 35 गोलियां, अगर उसी कनेक्ट हो जाती तो मर जाता, नहीं मरा। M4 निकाली और भून दिया, ठीक है, ये हो गया नॉक। फ़ौरन से रिवाइव दिया, क्योंकि रिवाइव की प्रायोरिटी फर्स्ट होती है। सबसे पहले हम अपने टीममेट को रिवाइव देंगे। और आगे आ चुका है एक बॉट, हमें लगा ये टीममेट है। और मुझे इस बार का डर लग रहा था कि यार ये अब किल ना चुरा ले, क्योंकि किल्स की लड़ाई है सारी की सारी। मैंने हील भी नहीं की, मैं बस भाग गया। और ये बंदा वॉल से, मतलब वेयर हाउस से बाहर चले गया था बॉट, और मुझे लगा ये अंदर ही है। फिर बाहर गया, अपना किल सिक्योर किया और एक और किल मुफ्त का उठा लिया हमने बॉट को मार के। तो इस तरह, और अब एमओ भी नहीं है मेरे पास M4 का बिल्कुल भी। भाई ऐसा है कि M4 का एमओ हो चुका है टोटली ख़त्म। हील नहीं कर रहा मैं, किल्स के पीछे भाग रहा हूँ। क्रेन पे बंदा नहीं था, ये जो सामने जो एक चौकी बनी हुई ना, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, यहाँ पे था। मैंने अहमद को बोला भाई थोड़ा मुझे हील का टाइम दे, ताकि मैं हील कर लूँ, फिर देखते क्या कहानी आगे की, चलते अपन। तो बंदा स्कोप चेंज है, हील वील कर रहे हैं, हील का टाइम ही नहीं दे रहे थे भाई ये बहुत। और अच्छी बात ये है कि जो जॉर्जो में सिर्फ चार ही बंदे आए थे, अगर हम जॉर्जो उतरते तो क्या पता हम वाइप कर जाते। फिर पीछे से साउंड आ रहा होता है कि बंदा पीछे आ चुका है एक, और वो जो सामने गाड़ी खड़ी है वो मेजेस्टी हमाद की है, मेजेस्टी हमाद हुई है। M4 की सिर्फ एक गोली, क्या कर लूँगा मैं। और एमओ मिल भी नहीं रहा था, बॉट के पास भी एमओ नहीं है, कुछ बंदे जिनको मारा उनके पास भी एमओ नहीं है। फिर भागे 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 आगे पीछे हम गए, तो एक आ जाती, ये मेजेस्टी हमाद है। सर बहुत शुक्रिया आपका, इन्होंने टीम अप किया। हॉल पे हम गए लेकिन उन्होंने बात नहीं की, शायद माइक में करने के बाद। मैंने एम रखा हुआ था, मेरा टीम जाके मीटअप कर रहा था, क्योंकि मुझे लगा क्या पता है कि बंदा ना मार दे, क्योंकि अक्सर बहुत मारे हम, बहुत बार मारे बॉट आए उनको मारा हमने। और अब मैं जिसकी हमारे भाई हैं हमारे, इन्होंने दो बार हमारी जान बचाई, वो भी आप आगे जाके देखना, लाइक कर दो वीडियो को भाई। सर बहुत सारा लव, बहुत बहुत सारा लव आपके लिए। फिर ये भाई हमें बोल रहे थे कि आप गाड़ी में बैठो और हम तीनों साथ खेलते हैं। और अब फिर हमें याद आया यार, मीटअप करने से पता नहीं हो रही या नहीं हो रही, लेकिन रिस्क नहीं लेना। तो मीटअप करने से ना आपकी आईडी बैन हो जाती है, ये मैंने सुना है स्टार एनोनिमस से भी और काफ़ी जो यूट्यूबर्स हैं उनसे। तो पहले तो मैं राज़ी हो गया, लेकिन फिर मेरे टीममेट ने अचानक याद दिलाया भाई आईडी बैन हो जाएगी, छोड़ दे मीटअप हो गया, बस
फिर कभी देखेंगे। बोला भाई ठीक है, फिर हमने इनकी तरफ देखा और इनको कर दिया हमने भाई भाई बाय, अब आपसे मिलते हैं बिल्कुल एंड में मिलेंगे ताकि मज़ा ज़्यादा आए। फिर हमने लूट वूट की, अब फ्लेयर हमें मिल गई है लेकिन फ्लेयर का एमओ नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये बंदे थे यहाँ पे और तीन डुओ की फाइट हो रही थी, चौथे हम आ गए। मैंने गलती करी, गाड़ी यहाँ ठोक के मैं यहाँ रुक गया, टीममेट आगे चल गया। जो सामने बंदा ये मैजेस्टी हमाद है, उस बंदे ने कि यार भाई बहुत शुक्रिया आपका, इसने हमें देखते ही पहचान लिया और ये मुझे मार नहीं रहा था, वरना इसका जब स्प्रे देखो ना आप पागल हो जाओगे। बंदा बहुत सही था यार, ये बंदे बंदे देखे जा रहे हैं, टीममेट पे रश हो गया है, दो बंदे वो हैं, एक ये है, एक को नॉक किया, कवर दे दिया। जो दूसरा बंदा है ना वो दिख नहीं रहा क्योंकि वो लेट गया है, वो बड़ी प्यारी एंगल पे लेटा है कि मुझे उससे एंगल नहीं मिल रहा, मेरे टीममेट को भी उसने नॉक कर दिया। मैं आगे जा रहा हूँ, वो मुझे गोलियाँ मार रहा है लेकिन मुझे वो नज़र भी नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ से गोलियाँ चल रही हैं। इतनी देर में ये मैजेस्टी हमाद ने उस सुपर वाले को मार दिया। भाई बहुत शुक्रिया आपका सर, आप ही की वजह से चिकन रो पाया। फिर फ़ौरन से रिवाइव दिया और मैजेस्टी हमाद ने हमारी जान बचाई एक बार, सबर करो दो बार ही बचाएंगे। फिर भाई हिल विल का नोमादा फौरन से टोटल हमने हिल विल कर ली और लूट सारी उठा ली हमने मैजेस्टी के हमारे पर। फिर हमारे पास आ गए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत सारा लव आपके लिए। फिर हम दोनों भाई इसकी क्रेट पे जो इतनी बुरी तरह स्प्रे थी उसको नॉक किया हमने, मतलब इसकी क्रेट में गोली चलाई। फिर हम ड्रॉप पे आए, ड्रॉप पे एक गाड़ी थी जो ड्रॉप लूट के जा रही थी, तो हमने उसको देख लिया। हमने वो भी पैनिक हो गए बेचारे, उन्होंने गाड़ी ऐसी मार दी और फिर वो वहाँ पे पैनिक हो गए। हिल उठाया एक, दूसरे को भी बहुत लो कर दिया। गाड़ी नहीं थी हमारे पास, क्योंकि तो गाड़ी जो पहली वाली थी वो हमने मैजेस्टी हम हाथ दे दी, भाई आप ये रखो और हम देख लेंगे गाड़ी कहीं ना कहीं से। और गाड़ी ये देखो फालतू मैंने सिर्फ गाड़ी फाड़ दी, गलती क्या हुआ गाड़ी फट गई, जोन में आगे भी जाना है लेकिन गाड़ी नहीं होगी हमारे पास, समझ रहे हो? नहीं समझ रहे, समझो, समझना पड़ेगा, कैसे नहीं समझ रहे तुम लोग, तुम्हें समझना पड़ेगा। और भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का, आजकल बहुत अच्छा सपोर्ट आ रहा है, बहुत बहुत सही सपोर्ट आ रहा है, मतलब मज़ा आ गया। हम लोग आगे जा रहे थे, मुझे नहीं पता बंदा कहाँ है, साउंड भी बिल्कुल नहीं आएगा, 7 का गन है उसके पास, मार्क के भी यहाँ पे शायद बंदे हो सकते हैं। प्रे आया टीममेट नॉक फौरन एट अ टाइम नॉक, और ये बंदा था 7 का M7 चला रहा था, सोलो वर्सेस सोलो कर रहा था, बहुत सही कैंप कर रहा था यहाँ पर ये टीममेट, उसने फौरन नॉक कर दिया और इस बेचारे को दिखा ही नहीं कि मैं इसके बराबर हूँ, कि मुझे भी पहले कुछ शॉर्ट्स या कुछ मतलब कुछ भी करते उसको दिखा ही नहीं। मैं जिसके बाद अभी अभी हो चुका है जोन से आउट, मुझे नहीं पता हुआ है, एक गाड़ी थी सामने बगी गई थी और बंदा भी यहीं पे था, तो मैं जंप करता हुआ जा रहा था, मतलब बस मुझे और मुझे ये लग रहा था, टीममेट को भी लग रहा था कि मैजेस्टी हमाद ही जिंदा है आखिर में। हम बस आगे जंप कर करके मैं जा रहा था सिर्फ कि भाई मिल जाए मिल जाए मिल जाए मिल जाए, नज़र ही नहीं आ रहा था। छत पे पहुंच गया फिर वो, और जंप कर करके मैं उसको चांद देखना चाह रहा था कि भाई जंप है वो, टीम अप कर लो सर, हम ही हैं हम ही हैं। पहले इसने शॉट दिए और फिर जब मैंने गन निकाली इसको मारने के लिए, फिर ये नीचे आ गया, तो मैं समझा ये वही है, लेकिन ये वो नहीं था, इसने मुझे फ़ौरन नॉक करके फिनिश करा है, फिनिश करा है, हाँ फिनिश से मुझे फ़ौरन कर दिया। इतनी देर मेरे टीम मेट्स ने उसको भी फिनिश कर दिया और हमें मिल गया विनर विनर चिकन डिनर। तो सबसे बड़ा शाउट आउट टू मिस्टर मैजेस्टी हम्माद सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मिलने आते हो, और अभी तो हम इतने बड़े यूट्यूबर भी नहीं हुए जो आप लोग इतने प्यार दिखा रहे हो। तो बस यही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस दुआ करो कि पबजी जल्दी से अनबैन हो जाए ताकि फिर से अपन पबजी के गेम प्ले आपके लिए लेके आना शुरू करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।